आपका स्वागत है वर्षिया एजुकेशन हब में। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी का। पहले हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में एग्जांपल, सारे एग्जांपल को हम लोग कर चुके हैं डिटेल से। अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले थे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन में सिद्ध करना है, एक फलन दिया हुआ है कि जिसको सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर ये संतत्य है कि नहीं, मतलब ये कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है। हम लोग एक एक कर करके चेक करेंगे हर एक बिंदु पे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने जा रहे हैं, सिंपल फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-3। सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूअस चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फलन है, इस फलन का मान किसी भी वैल्यू पे चेंज नहीं हो रहा है, इस फलन का मान किसी भी वैल्यू पे चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए जब इसका हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सिर्फ क्या करना होगा, लिमिट निकालना होगा, लिमिट चेक करना होगा, लिमिट आ रहा है कि नहीं और लिमिट जो फलन वैल्यू के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिमिट निकालेंगे x बराबर 0 पे, लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0। यहाँ पर LHL और RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर फलन का मान चेंज नहीं हो रहा है किसी भी वैल्यू पे। यहाँ पर f(x), अब f(x) का यहाँ पर मान रख देंगे, f(x) का मान कितना है 5x-3। अब x की जगह क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो 5×0-3। अब 5 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में से 3 घटेगा -3। लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स का मान कितना आ गया -3। और फलन वैल्यू निकालते हैं तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x-3। अब एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 5×0-3, इसका भी मान -3 आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मान क्या है, सेम है, लिख सकते हैं चूंकि लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ 0 के, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा किस पर, एक्स बराबर 0 पे, कंटिन्यूस है एक्स बराबर 0 पे। सेम ऐसे ही चेक कर लेना है, सेम टू सेम एक्स बराबर -3 पे और एक्स बराबर 5 पे, सेम इसी प्रोसेस से। सिर्फ यहाँ पर एक्स टेंड टू जो 0 लिखे है, यहाँ पर एक्स टेंड टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा एक बार, और फिर एक्स टेंड टू किस पर हो जाएगा 5 पे। तो दोनों पर चेक करके निकाल लेना है और चेक करना है कि फलन वैल्यू और लिमिट बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आया जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी क्या करना है, एक्स बराबर 3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूस है कि नहीं। तो फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर x²-1। अब इसको जांच करना है कि एक्स बराबर 3 पे, सिर्फ एक्स बराबर 3 पर ही चेक करना है, इसलिए कि इसमें नहीं बोला है कि सारे बिंदु पर चेक करने के लिए। तो एक्स बराबर 3 पर सिर्फ चेक करेंगे, एक्स बराबर 3 पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो लिमिट निकाल दो एक्स टेंड टू 3 एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड टू 3 पर एफ ऑफ एक्स का मान कितना होगा 2x²-1। अब जहाँ एक्स है उसके जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, इसलिए कि एक्स किसको टेंड कर रहा है 3 को। तो जहाँ एक्स है उसके जगह पर 3 रख देना, 2×3²-1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9-1, तो 9 × 2 = 18 में से घटेगा 17। अब फलन वैल्यू निकालना है दूसरा, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना है 2x²-1, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे 3। यहाँ पर एक्स की जगह 3 रखे तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या होगा 3 होगा, 2×3²-1। यहाँ पर भी 3×3 = 18 में से घटेगा 17। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, चूँकि लिमिट एक्स टेंड टू 3 एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, एफ ऑफ 3 के, इसलिए भी क्या होगा, फलन कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर 3 पर। तो लिख सकते हैं इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स बराबर 3 पे, सिंपल है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको छोड़ देते हैं, अपने से ट्राई करना है। सभी वास्तविक संख्या के लिए हम लोग चेक करना है कि फलन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स बराबर पहला क्वेश्चन में ए नंबर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर x-5। तो सिंपल एक वास्तविक संख्या सी मान लेना है, और सी पर क्या करना है, लिमिट निकाल लेना है और फलन वैल्यू निकाल लेना है, दिखा देना है कि बराबर है तो कंटिन्यूस होगा।
अब दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। दो नंबर क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे, तीन का बी में देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/x-5 दिया हुआ है। अब ये जब फलन दिया हुआ है इसको हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना है, तो ऑब्वियस है कि सारे वास्तविक संख्या पर चेक करना है। इसमें ये नहीं बोला है कोई स्पेसिफिक मान के लिए चेक करना है, इसमें सारे वास्तविक संख्या के लिए निम्नलिखित फलन और संतत्व की जांच करना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग कोई भी एक सी वास्तविक संख्या लेकर तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आएगा कि x बराबर 5 पे ये फलन क्या है, अनडिफाइंड है। x बराबर 5 पे ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग का जो c होगा, एक बार c का मान 5 से छोटा लेना होगा, एक बार 5 से बड़ा लेना होगा। इसलिए कि ये x बराबर 5 पे अगर यहाँ पर x का मान 5 रखते तो ये क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, डिफाइन नहीं हो जा रहा है। इसलिए एक वास्तविक संख्या लेंगे c, एक बार 5 से छोटा, एक बार 5 से 12, एक बार 5 पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी तीन केस बनेगा। तो पहला केस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, केस करके बना देंगे तो और अच्छा है, केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ पर केस 1 लिख ले रहे हैं, तो माना कि सी एक वास्तविक संख्या है। जब सी एक वास्तविक संख्या है तो सी जहाँ पर लिख ले, जहाँ सी का मान क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, एक बार 5 से छोटा, एक बार 5 से 12। अब 5 से छोटा, 5 से 12 क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ 5 पर क्या है, ये डिफाइन नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए 5 यहाँ पर रखने पर इसका हर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और किसी भी परिमेय फलन या कोई भी ऐसा संख्या होता है जिसका हर 0 होता है, वो नंबर क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। तो सिंपल यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए, इसलिए 5 से छोटा पर, 5 से 12 पर, 5 पर चेक करना होगा। ठीक, तो c < 5 पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी जब c 5 से छोटा होगा तो एक ही फलन का तो एक ही मान है, इसमें दो मान है नहीं, तो सिर्फ लिमिट निकालना होगा, फलन विलोम निकालना होगा। तो लिमिट x → 5 x → c नॉट 5 के बराबर था ना, 5 से छोटा, तो यहाँ पर x → c एफ ऑफ एक्स, अब 5 से छोटा पर तो फलन का मान यही रहेगा, तो 1/x-5 एक्स के जगह सी रख दो। एक्स किसको टेन कर रहा है, सी को, यहाँ पर एक्स का है तो एक्स के जगह क्या रखेंगे, सी रखेंगे। यहाँ से निकल के आएगा 1/c-5। वैसे ही फलन वैल्यू निकाल सकते, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x-5, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर क्या रखना होगा, सी रखना होगा। एफ ऑफ सी बराबर 1/c-5, तो दोनों मान क्या देखने को मिल रहा है, बराबर है, इसलिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किस पर, 5 से छोटा पर, लेकिन सबको एक ही बार में लिखेंगे। अब केस 2 दिखा देते हैं, खाली यहाँ पर दिखा देते हैं, चूँकि लिमिट f(x) = f(c) के। तो ये तो क्या हुआ, कंटिन्यूस होगा, 5 से छोटा पता है। यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं कि f(x) कंटिन्यूस है एक्स किसके, x < 5 पे, मतलब एक्स का मान 5 से छोटा पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो सेम ऐसे चेक कर सकते हैं, किस पर, एक्स का मान जब कितना से 5 से 12 होगा तब। तो हम लोग दूसरा इसमें मानेंगे, यहाँ पे मानते हैं, माना कि दूसरा केस 2 ले लेते हैं, केस 2, माना कि सी एक वास्तविक संख्या है, जहाँ सी का मान क्या होगा, सी का मान होगा 5 से 12। 5 से छोटा पर तो निकाल लिए, 5 से 12 पर निकालेंगे, तो 5 से 12 पर सेम यही प्रोसेसिंग होगा और कुछ होगा नहीं, इसमें फलन का मान तो चेंज हो नहीं रहे। तो लिमिट x → c f(x) सेम यहाँ से वही आ जाएगा, लिमिट x → c f(x) का मान कितना है, 1/x-5। अब x किसको टेंड कर रहा है, c को, तो x की जगह क्या रख देंगे, c रख देंगे, तो c - 5। अब फलन वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, सेम यही फलन वैल्यू आएगा, इसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो f(c) बराबर कितना हो जाएगा, c - 5। यहाँ पर भी दोनों के दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो लिख सकते हैं
लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है किस पे, एक्स 5 से 12 पे। तो 5 से 12 पे भी कंटिन्यूअस है, 5 से छोटा पर भी कंटिन्यूअस है। अब आते हैं एक्स बराबर 5 पे चेक करते हैं। तो एक्स बराबर 5 पे चेक करेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे स्पेस है थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, लिखेंगे एक्स बराबर 5 पर। तो एक्स बराबर 5 पे चेक करना है तो देखो एक्स बराबर जब 5 पे हम लोग को चेक करना है लिमिट को, तो यहाँ पे फलन वैल्यू तो चेंज हो नहीं रहा है, डायरेक्ट चाहेंगे तो लिमिट भी निकाल सकते, तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेन टू 5 एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मान रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेन टू 5 1 बाई एक्स माइनस 5। यहाँ पर एक्स किसको टेंड कर रहा है, 5 को, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे 5, तो 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 क्या होता है 0, और 1 बाई 0 हम लोग क्या लिखते हैं अनंत। अनंत को कोई भी लिमिट अगर अनंत आता है इसका मतलब होता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए कि अनंत का कोई मतलब नहीं होता, अनंत का कोई मतलब नहीं होता कि अनंत का मतलब ये नंबर एक नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये एक नंबर है। इसलिए जब भी अगर लिमिट जिसका अस्तित्व ही नहीं होगा, जिसका लिमिट का ही अस्तित्व नहीं होगा, वो उस बिंदु पर फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस कभी होगा ही नहीं होगा। तो उसका उस बिंदु पर फलन कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है अगर किसी का लिमिट क्या जा रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है तब। तो सिंपल यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर इन्फिनिटी हम क्यों लिखे, तो हम लोग कभी भी कोई भी संख्या होता है ऊपर में नीचे में जब जीरो होता है तो उसको डिवाइड कर देता है, हमेशा वो क्या आता है एक अनंत मान आता है जिसको हम लोग इन्फिनिटी से दिखाते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट का अस्तित्व ही नहीं होगा, तो उस पर फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है किस पर, एक्स बराबर 5 पर, सेम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखते हैं। तीन का सी में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फलन दिया हुआ है ये भी एक्स बराबर माइनस 5 पे क्या होगा, अनडिफाइन होगा। इसलिए कि अगर एक्स की जगह माइनस 5 रखते हैं तो माइनस 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हर में एक्स बराबर माइनस 5 पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसलिए ये फलन क्या है, फलन का अस्तित्व नहीं है एक्स बराबर माइनस 5 पे। इसलिए हम लोग जब इसका लिमिट चेक करेंगे, इसका जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 कंडीशन आएगा। एक बार एक्स का मान 5 से माइनस 5 से छोटा पर चेक करना होगा, एक्स का मान माइनस 5 से 12 पे चेक करना होगा, एक बार एक्स का मान माइनस 5 पे चेक करना होगा। तो हम लोग 2 कंडीशन इसमें हम लोग छोड़ रहे हैं, 2 केस छोड़ रहे हैं, 2 केस अपने से करना है। कौन कौन सा, केस 1 जब हम यहाँ पर मान कर दिखा दे रहे हैं और उस पर हम लोग कंटिन्यूस होगा, सिद्ध भी कर सकते हैं। पहला केस यहाँ पर लेंगे, तो पहला केस में जो होगा यहाँ पर मानना होगा, माना कि सी एक वास्तविक संख्या है जहाँ सी का मान क्या होगा, 5 से माइनस 5 से छोटा होगा। इस पर क्या करना है, 2 मान निकालना है, एक बार फलन, एक बार लिमिट निकालना है, एक बार फलन वैल्यू निकालना है, दोनों को बराबर देख के कंटिन्यूटी दिखा देना है। केस 2 क्या लेना है, ये होमवर्क में है। केस 2 लेना है कि माना कि सी एक वास्तविक संख्या है जहाँ सी का मान क्या करना है, माइनस 5 से 12 लेना है। तो ये 2 काम अपने से करना है, केस 1 और केस 2 सिंपल है। ये दोनों पर क्या होगा, ये फलन कंटिन्यूअस होगा। हम यहाँ पर करने वाले x बराबर माइनस 5 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तीसरा केस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो तीसरा केस लेते हैं, तो तीसरा केस हम अभी क्या बताए, तीसरा केस में क्या होगा कि इसे हमें मानना कुछ नहीं, x बराबर माइनस 5 पे चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। जब x बराबर माइनस 5 पे चेक करना होगा तो हम लोग 2
चीज़ चेक करना होगा, एक तो लिमिट चेक करना होगा, लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं, और वो लिमिट फलन वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। तो लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट एक्स बराबर माइनस पाँच पर चेक करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू माइनस फाइव एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पर लिमिट निकालना रहता है तो एक्स टेंड टू क्या है माइनस फाइव है, तो जहाँ जाए एक्स स्क्वायर जाए पर क्या रख देंगे माइनस फाइव रख देंगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। देखिए होता क्या है कि जब तक अगर कोई कटने वाला होगा, जब भी ये इस बात को ध्यान में रखना, जब भी लिमिट निकालते हैं अगर ऊपर नीचे कुछ कटने वाला रहता है तो हमेशा कैंसल आउट कर देते हैं, उसके बाद एक्स का मान यहाँ पे रखते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी लिमिट निकालना रहता है अगर कुछ ऊपर नीचे में कटने वाला कैंसल आउट होने वाला होगा तो पहले कैंसल आउट करेंगे, तब हम लोग एक्स टेन टू माइनस फाइव यहाँ पर पुट करते हैं, एक्स की जगह माइनस पाँच रखते हैं। सिंपल इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर नहीं कटने वाला रहेगा तब डायरेक्ट रखेंगे, लेकिन जब कटने वाला रहेगा तो उसको डायरेक्ट नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पर कटेगा कैसे तो दिखा रहे। अब देखो लिमिट जब निकालेंगे एक्स टेन टू माइनस फाइव तो ऊपर में देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पच्चीस है। अब पच्चीस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच के स्क्वायर लिख सकते हैं। पाँच के स्क्वायर कितना होता है, पच्चीस होता है, और नीचे में क्या है एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर में जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ये फार्मूला पर ये ब्रेक हो जाएगा और नीचे में क्या एक्स प्लस फाइव है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा लिमिट एक्स टेन टू माइनस फाइव, यहाँ पर आएगा एक्स माइनस फाइव। अब यहाँ पर कोई कुछ कटने वाला नहीं है तो अब टेंस टेंस टू क्या है माइनस पाँच है, तो एक्स की जगह क्या कर लेंगे माइनस पाँच रख देंगे, तो आ जाएगा माइनस पाँच माइनस पाँच बराबर माइनस दस। तो ये आ गया हम लोग का लिमिट वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालना है, फलन वैल्यू निकालना है, तो फलन वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा कि जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स का मान रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स का मान कितना माइनस पाँच, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जब मान रखेंगे, वेट ए मिनट, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब एक्स का मान पाँच रखेंगे माइनस पाँच तो ये फलन का अस्तित्व ही नहीं होगा, माइनस पाँच के स्क्वायर माइनस पच्चीस डिवाइडेड बाई माइनस पाँच प्लस पाँच। अब माइनस पाँच प्लस पाँच क्या होता है जीरो होता है, और माइनस पाँच के स्क्वायर कितना होगा पच्चीस, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ जा रहा है। तो ये इसका जब नीचे में जीरो आ गया तो ये फलन का अस्तित्व नहीं है एक्स बराबर किस पे माइनस पाँच पे। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये फलन वैल्यू के बराबर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा x बराबर माइनस पाँच पे। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेन टू माइनस फाइव एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं है किसके एफ ऑफ माइनस पाँच के, इसलिए ये क्या होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर माइनस पाँच पर। इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। अब इसका मतलब देखो ये सारे वैल्यू सारे वास्तविक संख्या पर कंटिन्यूअस होगा सिर्फ एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्स बराबर माइनस पाँच को छोड़कर। तो एक्स बराबर माइनस पाँच को छोड़कर ये सारे वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ से ये अपने से करना है घर पे और इसको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीन का डी में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव। अब मॉड को तोड़ना सिखाए थे कैसे तोड़ते हैं, पहले मॉड का था हम लोग दो फलन में इसको तोड़ते हैं, बताए थे किस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार जो फलन है वही डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन जब वो फलन इसमें अंदर में है जब डायरेक्ट लिखते हैं, कब लिखते हैं जब एक्स माइनस फाइव का मान क्या होता है जीरो से जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है तब। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बताए थे इसको सॉल्व करना है, ये क्या है
ये असमिकाय है, असमिकाय को सॉल्व करने से क्या आया था, अगर माइनस पाँच है तो इधर से ये माइनस पाँच को हटाना है, दोनों तरफ क्या करते हैं पाँच जोड़ देते हैं, और सेम संख्या हम लोग जोड़ सकते हैं, जीरो में पाँच जोड़ेंगे जीरो पाँच ही आएगा, ये पाँच पाँच कट जाएगा, तो एक्स का मान क्या आएगा पाँच से बारह। तो ये कब होगा जब एक्स का मान क्या होगा पाँच से बारह होगा, तब इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। और जब ये एक्स का मान पाँच से छोटा होगा तब ये क्या आएगा माइनस साइन के साथ बाहर निकलता है, जब ये एक्स का मान पाँच से छोटा होगा तो ये जिस जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ है उसको माइनस साइन लगा कर बाहर में निकाल देना है। तो इस प्रकार से मॉड को तोड़ते हैं, और जब मॉड को तोड़ लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फलन वैल्यू क्या हो रहा है, किस पर चेंज हो रहा है, पाँच पे चेंज हो रहा है, और सारे वास्तविक संख्या पर भी चेक करना है। इसका मतलब ये है कि एक बार पाँच से छोटा पर चेक करना होगा पहला केस, दूसरा केस क्या पाँच से बारह पर चेक करना होगा, एक बार फिर पाँच पे चेक करना होगा। तो यहाँ पर भी तीनों केस आ रहा है तो तीनों केस पर चेक करना है। तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, दो केस चाहेंगे तो स्किप कर सकते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर रहे, पूरा डिटेल ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, तो पहले हम लोग एक केस वन लेंगे। तो केस वन में क्या लेना है, मानना है एक वास्तविक संख्या जो कि पाँच से छोटा है, तो माना कि सी एक वास्तविक संख्या है, जो लगा कर लिख सकते हैं जो पाँच से छोटा है, मतलब सी लेस देन फाइव, चाहे जहाँ भी लिख सकते हैं जहाँ सी का मान पाँच से छोटा है, ठीक। सी का मान पाँच से छोटा है तो पाँच से छोटा पे फलन फिक्स हो जाएगा, पाँच से छोटा पे फलन का मान कौन होगा ये वाला होगा, तो ये फलन फिक्स हो गया तो हम लोग निकाल सकते हैं लिमिट एक्स टेन टू सी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मान इसमें फिक्स हो गया जब पाँच से छोटा होगा, तो पाँच से छोटा होगा कौन सा एफ ऑफ एक्स का मान है माइनस एक्स माइनस फाइव, एक्स की जगह सी रख दो तो कितना आ जाएगा माइनस सी माइनस फाइव, वैसे फलन का मान निकालेंगे सी एक्स बाय, तो एफ ऑफ एक्स का मान इसमें फिक्स हो गया है क्या है माइनस एक्स माइनस फाइव, अब एक्स की जगह क्या रखना है सी रख देना है, जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर सी रख देना है, तो दोनों मान क्या देखने को मिल रहा है बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है तो मतलब क्या है कंटिन्यूस है, तो लिख सकते हैं चूँकि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ सी के, इसलिए क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है किस पर, एक्स का मान पाँच से छोटा पर, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स लेस देन फाइव पर। सेम ऐसे ही चेक करना है किस पर, जब एक्स का मान पाँच से बारह होगा तब, दूसरा कंडीशन हम लोग का आएगा तो केस टू, केस टू लेंगे, माना कि सी एक वास्तविक संख्या है जहाँ सी का मान यहाँ पर क्या लेना है पाँच से बारह लेना है, तो पाँच से बारह पर भी फलन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जब एक्स का मान पाँच से बारह है तो फलन का मान क्या है एक्स माइनस फाइव है, तो यहाँ पर भी फलन का मान चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान क्या आ रहा है पाँच से बारह पे एक्स माइनस फाइव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस फाइव हो जाएगा, अब एक्स की जगह क्या सॉरी एक्स टेंड टू सी, तो एक्स किसको टेंड कर रहा है सी को, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे सी माइनस फाइव, वैसे फलन वैल्यू निकाल लेते हैं तो फलन वैल्यू कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स माइनस फाइव, तो एक्स की जगह क्या रखना है सी रखना है, तो एक्स की जगह सी रखेंगे तो एफ ऑफ सी बराबर कितना हो जाएगा सी माइनस फाइव। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये लिमिट और फलन वैल्यू क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, जब लिमिट और फलन वैल्यू बराबर होता है तो ये भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है, तो लिख सकते हैं चूँकि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ सी के, इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या है कंटिन्यूस है एक्स का मान जब पाँच से बारह होगा तब, अब पाँच से बारह पर और पाँच से छोटा पे हम लोग चेक कर चुके हैं, अब हम लोग किस पर चेक करना है जब एक्स का मान किसके पाँच के बराबर होगा तब, तो पाँच के बराबर पर हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं केस थ्री, केस थ्री में क्या है एक्स बराबर फाइव पर, तो एक्स बराबर फाइव पे हम लोग चेक करना है, तो एक्स बराबर फाइव पे क्या हो रहा है फलन वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग तीन चीज़ निकालना पड़ेगा एल एच एल लिमिट आर एच एल लिमिट
और फलन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एलएचएल लिमिट निकालने के लिए एलएचएल लिमिट को कैसे दिखाते हैं, लिमिट एक्स टेन टू फाइव पे निकालना है तो फाइव एलएचएल को पाँच के ऊपर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं पाँच के, अगर एलएचएल निकालना है तो एफ ऑफ एक्स। अभी ये पाँच माइनस का मतलब क्या होता है, पाँच से थोड़ा छोटा, और पाँच से थोड़ा छोटा पे फलन का मान कितना है माइनस एक्स माइनस फाइव, तो फलन की जगह क्या रखेंगे, लिमिट एक्स टेन टू फाइव माइनस, अब माइनस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए फलन वैल्यू पता चल चुका है कि पाँच से छोटा लेना है, तो पाँच से छोटा पर क्या है माइनस एक्स माइनस फाइव। अब एक्स की जगह जब यहाँ पर फाइव रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस फाइव माइनस फाइव बराबर जीरो, तो इसका मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आर एच एल लिमिट निकालेंगे, और आर एच एल लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे स्पेस है चलिए यहाँ पे निकालते हैं, इसको ध्यान से लिखना होगा, यहाँ बीच में लिखने जा रहे कि हम लोग आर एच एल लिमिट निकालना, आर एच एल लिमिट कैसे डिफाइंड होता है, लिमिट एक्स टेन टू फाइव के ऊपर क्या होता है प्लस एफ ऑफ एक्स। अब एक फाइव प्लस का मतलब क्या होता है, पाँच से थोड़ा बड़ा, तो पाँच से थोड़ा बड़ा में कौन आएगा, पाँच से थोड़ा बड़ा यही होगा, ये क्या है पाँच से छोटा है, और ये यहाँ पे क्या है पाँच से बारह है, और पाँच से बारह पर फलन का मान कितना है एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पर ली फलन की जगह क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू फाइव फलन की जगह एक्स माइनस फाइव, और जब एक्स की जगह फाइव रखेंगे तो फाइव माइनस फाइव कितना हो जाएगा जीरो, इसका भी मान कितना आ रहा है जीरो आ रहा है। लास्ट है इसका फलन वैल्यू, तो फलन वैल्यू अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फलन वैल्यू एक्स बराबर फाइव पे, अब बराबर कहाँ पे है, एक्स बराबर फाइव इसमें है, इसमें बराबर नहीं है, तो इसमें बराबर है इसलिए फलन वैल्यू क्या होगा यहाँ पर एक्स माइनस फाइव होगा, तो एक्स माइनस फाइव। अब एफ ऑफ फाइव का मान निकालना है, तो जहाँ एक्स है उसके जगह फाइव रख देना, तो इसका मान कितना आ गया जीरो आ गया। तीनों मान क्या देखने को मिल रहा है, बराबर हो रहा है, तो लिख सकते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को एक्स टेंड टू फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, लिमिट एक्स टेन टू फाइव प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, फलन वैल्यू एफ ऑफ फाइव के। जब तीनों आपस में बराबर है तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा किस पे, तो ये कंटिन्यूस लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स बराबर फाइव पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स बराबर पाँच से छोटा पर भी कंटिन्यूस है, एक्स बराबर पाँच से बारह पर भी कंटिन्यूस है, एक्स बराबर पाँच पर भी कंटिन्यूस है। तो पाँच मतलब ये क्या है, सारे वास्तविक संख्या पर क्या ये फलन कंटिन्यूस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे वास्तविक संख्या पर ये फलन कंटिन्यूस है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ क्वेश्चन, और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि बन जाएगा पहले से बता दें कमेंट बॉक्स में लिख कर, तो आज कमेंट कर देना है कि सर ये क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, और जो जो क्वेश्चन लग रहा है नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर ये बताना है, तो नेक्स्ट क्लास में वही सब क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे। सो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन।